नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एडवोकेट मितेश दवे ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अटेम्प्ट टू सुसाइड, आत्महत्या करने का प्रयत्न। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करे, चाहे वो फंदे से करे, पॉइजन से करे, या कोई गाड़ी के सामने कूद कर मरने का प्रयत्न करे, तो उस व्यक्ति के सामने लगेगी IPC की धारा 309। IPC की धारा 309 में 1 वर्ष की सजा तक का प्रावधान है। कोर्ट अगर चाहे तो उस व्यक्ति को 1 दिन की भी सजा दे सकती है, और अगर चाहे तो 1 वर्ष तक की भी सजा दे सकती है, या फिर कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को जुर्माना लेकर भी छोड़ सकती है, या फिर जुर्माना और सजा दोनों कोर्ट कर सकती है। ऐसी स्थिति में होता यह है कि पुलिस उस व्यक्ति के पास आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति ने पॉइजन खाया, वो गया हॉस्पिटल, डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आएगी, उसका नाम, एड्रेस, पूरी डिटेल लेगी और एक इस्तीखासा तैयार करेगी, और इस्तीखासा तैयार करने के बाद उस व्यक्ति से बोलेगी कि जिस दिन हम इस्तीखासा कोर्ट में पेश करेंगे उस दिन तुम्हें आना पड़ेगा। ये बेलेबल ऑफेंस है। कोर्ट पुलिस थाने पर उसकी बेल ले लेती है एक जमानती के माध्यम से, और कहती है कि मैं इस्तीखासा पेश करूंगा उस दिन, इसे ले आना, कोर्ट में इसकी जमानत करानी पड़ेगी। और अगर उस दिन वो कोर्ट में नहीं आता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है जिसने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में जाना पड़ेगा, केस को फाइट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि लाइफ को खतरे में मत डालो, फैमिली के बारे में सोचो, क्योंकि फैमिली ही आपकी वैल्यू समझ सकती है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।